अभी हम भैया के गोडाउन में आए और यहाँ पर सारी अलग अलग बाइक्स है, ये रेपसोल है, वो कावासाकी की ZX RR लिखा हुआ है, और भी अलग अलग मॉडल है, KTM भी है रेडबुल वाली, बट अपन को पसंद आई है भाई। बाथरूम में पता नहीं इसको क्या दिखता है, अंदर घुस जाएगा जब देखो खुला हुआ गेट मिलता है। कल तो छुप गया अंदर जाके, हम पूरे फ्लैट में ढूंढ रहे कहाँ गया ब्रूनो कहाँ गया, फिर मेरे को ध्यान आया मैंने कहा ये बाथरूम में घुसता है, देखा तो ये वाला बाथरूम खोल के अंदर छुपा हुआ था। इससे खुल तो जाता है गेट धक्का मार के, लेकिन जब एक बार गेट बंद हो जाता है ना तो अंदर से ये बाहर नहीं निकल पाता खुद, फिर दुबक के बैठ जाता अंदर, फिर मैंने बाहर निकाला। तो एक और नया दिन, एक और नई जर्नी, आज है 15 जुलाई 2021, मैं हूँ अभी गुड़गांव में, आज आ रही है भाई अपनी नवी नवी बाइक। सिर्फ पापा को पता कौन सी बाइक ला रहा हूँ। कैसी लगी पापा? बढ़िया है ना। घर पे ना मैं कल रात को गया ना, सबको मैं बोला है कि मेरी कल नई बाइक आ रही है, बट बता ही नहीं कौन सी बाइक आ रही है। अब सबको लग रहा है कि मैं BMW ले रहा हूँ 1250 GS से, क्योंकि पता ही है सबको हायाबूसा और BMW लेनी थी, हायाबूसा आ चुकी है, BMW रह रही है, तो सबको वही लग रहा है। बट सब सोच रहे हैं इसके बाद पैसे कहाँ से आए, अभी तो ये हायाबूसा के टाइम पर कंगाल हो चुका था, बट उन्हें क्या पता कौन सी बाइक है। आपने शायद टाइटल थंबनेल में देख लिया हो, बट जाके दिखाऊंगा क्योंकि दिल्ली जाना है मुझे अभी पंजाबी बाग, फटाफट से रेडी हो चुका हूँ मैं, बड़ी एक्साइटमेंट है भाई। हाँ भाई माते, कौन सी बाइक लग रहा है ला रहा हूँ? कौन सी बाइक लग रहा है ला रहा हूँ? मेरे को अंदाजा, फिर भी मेरे को नाम पता बाइक को। ब्रूनो कौन सी बाइक ला रहा हूँ मैं, हैं जल्दी बता कौन सी ला रहा हूँ। बिंदाजाची कौन सी बाइक लग रहा है ला रहा हूँ? BMW जो वो वहाँ पे दिखाई। इसको पता नहीं क्या हो गया, पहले भी इसने मेरे को देखो काट रखा है, ये रहा मेरे से पता नहीं क्या दुश्मनी होगी, बचपन में तो सही था। इशू तेरे को कौन सी लग रही है? मुझे BMW। ठीक है भाई, भाई कौन सी बाइक लग रहा है जो ला रहा हूँ आज? चलो शाम को ही दिखाएंगे आपको सीधा, अभी बता नहीं रहा ना किसी को भी, फिर शाम को दिखाऊंगा है ना सबको। भाई मैंने कंफ्यूज कर दिया और ज्यादातर लोगों को लग रहा है मैं BMW ही ला रहा हूँ। अब जब वो शाम को वो बाइक देखेंगे ना, पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा, मतलब सरप्राइज भी रह जाएंगे और हंसने भी लग जाएंगे बाइक देख कर, मजा आएगा। इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने कहा प्रॉपर रिएक्शन देखने हैं, और शायद से अगर मैं रात को लेट हो गया ना तो मैं घर पे कल सुबह ही दिखाऊंगा रोशनी में, वरना रात को ढंग से वीडियो बनने नहीं वाली। टोटल 2 व्लॉग्स बनने वाली है, पहला व्लॉग जिसमें मैं अभी डिलीवरी लूंगा बाइक की, और जो कल नेक्स्ट सेकंड व्लॉग होगा उसमें आकर दिखाएंगे भैया अपना रिएक्शन। मजा आ जाएगा, 1 घंटे की ड्राइव है, फटाफट से पहुंचते हैं। मैप में ना 50 मिनट या 55 मिनट दिखा रहा था गुड़गांव से, और इतना ट्रैफिक मिला ना, इतना ट्रैफिक, मुझे 1.25 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं अभी तक लोकेशन पे नहीं पहुंचे। यहाँ से 2 किलोमीटर और दिखा रहा है, 8 मिनट का रास्ता। पंजाबी बाग सामने देखो, मेट्रो स्टेशन आ गया वो रहा। लो भाई पहुंच गया हूँ फाइनली इतनी देर के बाद, थोड़ा सा आपको शोर आ रहा होगा, बिल्कुल रोड यहीं पर है, क्योंकि ये दिख रही है आपको इतनी सारी बाइक छोटू छोटू सी। तो जी हाँ, मैं ले रहा हूँ भाई अपने लिए एक पॉकेट बाइक, जो कि क्या है 49cc की 2-स्ट्रोक इंजन। वैसे यहाँ पे हायाबूसा भी खड़ी है और इसका टायर देखो भाई कितना मोटा है, बट अपन लेने वाले हैं ऐसी कोई एक बाइक। तो ये अलग अलग मॉडल है यहाँ पर, भैया कह रहे पसंद कर लो फिर आपको नया पीस उसका मिल जाएगा, ये मतलब डेमो के लिए रखा हुआ है। तो एक तो मुझे ये रेडबुल वाली काफ़ी पसंद आ रही है, जिसमें KTM लिखा है, और ये भी अच्छी लग रही है यामाहा की, हालांकि असली यामाहा नहीं है, मतलब उनका फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी जो भी कहते हैं, मतलब स्टिकर लगा रखे एक तरह से, बट भाई ये चलती है पेट्रोल से। जी हाँ, चार्जिंग वाली नहीं है, पेट्रोल वाली है, और बच्चे भी चला सकते हैं और मेरे जैसा बड़ा घोड़ा भी चला सकता है इसको। वजन भी कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब होगी कोई 15 से 20 किलो की, और यहाँ पर इसका टैंक है, पेट्रोल डलता है, मतलब देख रहे हो पेट्रोल से चलती है ये, 49cc का इंजन है। कितनी कूल लग रही है ना भाई, मतलब सोचो मैं चलाऊंगा तो कितना मस्त लगूंगा। ये मैं थोड़े टाइम खुद चलाऊंगा, फिर पार्थ को दे दूंगा, मेरा जो भांजा है, जब तक वो सीख भी लेगा और चला ले करेगा। अपनी बस फटाफट से फाइनल करते हैं भाई, लेनी कौन सी है, कौन सा वो मॉडल ले रहा हूँ, मतलब कलर वलर स्टीकर वगैरह, उसके बाद देखते हैं क्या सीन बनता है। अभी हम भैया के गोडाउन में आए और यहाँ पर सारी अलग अलग बाइक्स है, ये रेपसोल है, वो कावासाकी की ZX RR लिखा हुआ है, और भी अलग अलग मॉडल है, KTM भी है रेडबुल वाली, बट अपन को पसंद आई है भाई ये, यानी कि सुजुकी की, क्योंकि अपनी हायाबूसा भी हुई है, तो इसको लेकर जा रही है शॉप पर, और वहीं पर जाके इसकी पूरी असेंबलिंग होगी अच्छे से, तब मैं आपको पूरी बाइक अच्छे से दिखाऊंगा, पेट्रोल भरेंगे चलाएंगे मज़ा आएगा। ये रख लिया हमने अपनी नई बाइक, और वो वाला जो डब्बा देख रहे हो ना FX मोटर, उसके अंदर इसका इंजन है। जी हाँ, इंजन अलग आता है, तो ये पूरा असेंबल होगा, इसलिए मैं अभी आपको सीधा जाके शॉप पर मिलता हूँ भैया की। हाँ भाई साहब, गर्मी बहुत हो रही है और बहुत लेट हो गया, 5:30 बज गए यहीं पर ही,
मुझे लगता है आज योगा क्लास मिस होगी शायद। चलो जी फाइनली बाइक रेडी हो गई है। बाहर शोर बहुत है, पता नहीं आवाज़ आएगी या नहीं। मैं एक बार चला के देख लेता हूँ चक्कर मार के कि अच्छे से काम कर रही है नहीं। पेट्रोल डाल दिया थोड़ा सा है लेकिन। पूरी रोड जाम करवा दिया आगे ले जाके आपने। फाइनली पैक करवा लिया, गाड़ी में रख लिया। बुरी हालत हो गई, गर्मी हो ऊपर से थकान भी हो। चला जाए फटाफट से यहाँ पर। बाहर तो मैं ज़्यादा शूट कर नहीं पाया बाइक को चलाते हुए, शोर इतना था। बट वो जो भैया जिन्होंने ये असेंबल करी ना वो चला के आए थे, चलाई मैंने भी थी बट मैं शूट नहीं कर पाया अपने आप को। बट उनका शूट किया भाई इतने फनी लग रहे थे ना, मतलब लोग मुड़ मुड़ के रुक रुक के देख रहे हैं कि ये क्या चीज़ है भाई, इतनी सी बाइक इतना बड़ा बंदा चला रहा है। तो यही क्रेजी रिएक्शन आने वाले घर वालों के भी शायद से। बाकी देखते हैं, अभी जाके ही अंधेरा ना हुआ होगा ज़्यादा तो आज ही दिखा दूंगा वरना कल सुबह। बाकी इस ब्लॉग के लिए नहीं रखते भाई, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।